छोटा दुकानदार, व्यापारी, मैं कहती हूँ हमारी अनाज की मंडियों पे तो ताले लग गए, हमारे सरकारी स्कूलों पे ताले लग गए, हमारी बिजली का जो बुरा हाल है वो आप सब लोग वाकिफ हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। अब ये कहते हैं खट्टर साहब के अडानी से हमारा समझौता हुआ था, उसमें कुछ एक पॉइंट्स रह गए थे, उसके बाद ये कहते हैं कि कोयला मात्र दो दिन का है। आप मुझे बताइए अगर देश के ऊपर हमला हो जाए, भगवान ना करे, तो हम क्या कहेंगे अपनी जनता से? तो ये एक जो इस कुर्सी पे, इस ओहदे पे बैठ के मुख्यमंत्री के बयान जो हैं वो चिंताजनक हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इनकी मंशा है बिजली को प्राइवेट करना, ये हर चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। हमें अडानी अंबानी के हाथों में, हरियाणा की जनता है ये अच्छे से उनकी मंशा को समझती है। फिर अगर बात करो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, तो वो कांग्रेस धर्म कम निभाते हैं, वो मित्रता का बीजेपी के साथ ज्यादा धर्म निभाते हैं। उन्होंने एलनाबाद के चुनाव में ये साबित कर दिया कि मेरी परम मित्र भारतीय जनता पार्टी है। वहीं उदय बान के लिए मैं कहूंगी इनके पिता वो शख्स रहे हैं जिन्होंने एक दिन में तीन पार्टियां चेंज की हैं और जिन्होंने आया राम गया राम की राजनीति, जेजेपी जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उनका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, जिसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। दो बाई इलेक्शन हुए हैं, दोनों बाई इलेक्शन में ना जेजेपी का झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका विलय भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में पार्टियों को मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से सदस्यता अभियान जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। जहां हथीन विधानसभा के भमरौला गांव में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार बिजली विभाग को प्राइवेट करना चाहती है और अडानी को बेचना चाहती है। आज प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान है। 2,75,000 के आंकड़ा है और उससे ज्यादा ही हो गया होगा, बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है और कहीं पे भी कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है। दुष्यंत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे नहीं पता, आप आंकड़े देखें, आंकड़ों के आधार पे बात करें। आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर पेंशन आगे काटी जाती तो क्या करेगी इनेलो पार्टी? आंदोलन करें। इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव जन कल्याण के लिए आवाज उठाई है और आगे भी उठाई। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना, कैसी सरकार चल रही है? वर्तमान सरकार में कोई भी वर्ग ये कह दे कि हम बहुत अच्छे में हैं तो मैं मान जाऊंगी। जब से नोटबंदी की मार हमारे पूरे हिंदुस्तान ने झेली है, उसमें हरियाणा प्रदेश भी आता है, छोटा दुकानदार, व्यापारी, मैं कहती हूँ हमारी अनाज की मंडियों पे तो ताले लग गए, हमारे सरकारी स्कूलों पे ताले लग गए, हमारी बिजली का जो बुरा हाल है वो आप सब लोग वाकिफ हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। अब ये कहते हैं खट्टर साहब के अडानी से हमारा समझौता हुआ था, उसमें कुछ एक पॉइंट्स रह गए थे, उसके बाद ये कहते हैं कि कोयला मात्र दो दिन का है। आप मुझे बताइए अगर देश के ऊपर हमला हो जाए, भगवान ना करे, तो हम क्या कहेंगे अपनी जनता से? तो ये एक जो इस कुर्सी पे, इस ओहदे पे बैठ के मुख्यमंत्री के बयान जो हैं वो चिंताजनक हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इनकी मंशा है बिजली को प्राइवेट करना, ये हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहते हैं, हमें अडानी अंबानी के हाथों में। प्रदेश सरकार के साथ साथ सुनैना चौटाला ने प्रदेश की विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा जी उदय भान को साथ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। उदय भान के पिता को हरियाणा की राजनीति में एक ही दिन में कई बार बिकने के कारण आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल उलट है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने सदैव इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था जताई है, उनके पास इंडियन नेशनल लोकदल से मजबूत विकल्प उन्होंने अपने आप में चुना है। उन्होंने ये तक कहा, मैं जब गांव में गई हूँ, महिलाओं ने मुझसे कहा है बेटी चौटाला का राज बनाना है, कुकर ही कर ले, हम तेरे गेले हैं। कांग्रेस ने बदल दिए, जैसे बता रहे पंजाब में बदलाव किए, कांग्रेस ने यहाँ से भी नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। कांग्रेस के ऊपर जो सवालिया निशान है वो ये है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उस अध्यक्ष को लेके ये दिखाने की कोशिश में है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मेरे आदमी है। आप मुझे ये बताएं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कितनी बार इस बात की सुर्खियां चली हैं, कितनी बार दरबार में गए हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। उसके बाद शैलजा जी को काटने के लिए उन्होंने कहा कि वीर बान को इनको बना दो, उदय बान को। तो आप ये सोचें कि वो एक ऐसे इंसान को बना के लेके आए हैं कि जो वो अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये हरियाणा की जनता है, ये अच्छे से उनकी मंशा को समझती है। फिर अगर बात करो
भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, तो वो कांग्रेस धर्म कम निभाते हैं, वो मित्रता का बीजेपी के साथ ज़्यादा धर्म निभाते हैं। उन्होंने एलनाबाद के चुनाव में ये साबित कर दिया कि मेरी परम मित्र भारतीय जनता पार्टी है। वहीं उदय बान के लिए मैं कहूँगी, इनके पिता वो शख्स रहे हैं जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां चेंज की हैं और जिन्होंने आया राम गया राम की राजनीति। इस दौरान सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इनेलो में आस्था एक बार फिर जताने की ठान ली है। साथ ही उन्होंने जेजेपी पर इस दौरान कड़ा प्रहार किया और कहा कि पिछले 2 बाय इलेक्शंस में जेजेपी का विलय बीजेपी में हो चुका है। ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी को वापस उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आज विपक्ष के पसीने छूटे हुए हैं, आज कांग्रेस डरी हुई है कि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आने वाली। जेजेपी वापस इनेलो में आ सकती है, कैसे हालत हो सकती है? देखिए, जेजेपी जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उनका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, जिसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। 2 बाय इलेक्शन हुए हैं, दोनों बाय इलेक्शन में ना जेजेपी का झंडा ना डंडा ना कैंडिडेट, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका विलय भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि पार्टी के कार्यक्रम के दौरान इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला के तेवर साफ दिखाई दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में अब विपक्षी दलों के पसीने छूट रहे हैं और आने वाला समय इनेलो का होगा। हरियाणा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी की सरकार बनाएगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।